You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. बात हम करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ और दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ का खेल इख्तिताम को और 106 रन स्कोर किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने चार विकेटों के नुकसान पर। 452 रन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे। इस टेस्ट मैच की अब तक की सूरत हाल, आने वाले दिन के हवाले से और आज जिस तरह का खेल हुआ है उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ फरमा साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं शुएब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे हमारे एक और एक्सपर्ट अली ज़िया साहब भी। खान साहब, किस तरह से देखते हैं दूसरा दिन और 106 चार विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की 452 रन के जवाब में, वेस्ट इंडीज़ एक मतलब फिर आगाज़ में मुश्किल का शिकार है? एब्सोल्युटली, और मैं समझता हूँ कि इस टेस्ट मैच में आपने दो चीज़ें जो है ना वो बहुत गौर से देखने वाली हैं कि राहत अली की जो है कम बैक हुई है इस टेस्ट मैच में, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और पुराना गेंद और नए गेंद के साथ जिस तरह का स्पेल उन्होंने, पहला स्पेल भी काफ़ी उन्होंने बेहतर किया, विद इन द स्टंप्स बॉल कराया, मूव भी किया, नए गेंद पर आते उन्होंने एक ब्रेक थ्रू भी हासिल किया, और उसके बाद फिर पुराने गेंद में उनको रिवर्स भी जो कि पाकिस्तान बॉलिंग का खासा है वो हासिल की। तो मिसबाह उल हक एज अ कैप्टन, ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ऑन राहत अली। हाँ, जब इनका सिलेक्शन हुआ था सबसे पहली मरतबा पाकिस्तान टीम के लिए, उस वक्त भी क्रिकेट के हलकों में ये बात खासी मशहूर थी कि मिसबाह उल हक खासा पसंद करते हैं राहत अली को और उनके सिलेक्शन में ऑल आउट गए हैं। इन्होंने खुद कन्विंस किया सिलेक्शन कमेटी को और कहा कि ये फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है और मुझे चाहिए तो दिया जाए। हाफिज साहब, बड़ी एक सिंपल लॉजिक है कि मिसबाह हर उस खिलाड़ी को पसंद करता है जो 100% देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ठीक है, अब मोहम्मद आमिर और वहाब को जो नहीं खिलाया गया उसके पीछे एक माइंड सेट था, एक स्ट्रेटजी थी, एक गेम प्लान था टीम मैनेजमेंट का कि इस सीरीज के बाद पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे वहीं से न्यूजीलैंड फ्लाई करना, न्यूजीलैंड चले जाना है और दो टेस्ट मैचेस वहाँ हैं और उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। तो पाकिस्तान टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा रही थी कि उनके पास वहाब और मोहम्मद आमिर के बाद सुहेल खान, इमरान खान जूनियर सीनियर और राहत अली। अब ये जो इनके पास ये इस वक्त जो दो बॉलर खेल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा दो खेल रहे हैं, तीन बाहर बैठे हैं, हमारा पेस अटैक पूरा है। एग्जैक्टली, राइट। थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हुआ है, आई मे बी रॉन्ग, मगर कि सुहेल खान ना कि वो जो पेस है ना वो ओवर में अगर वो एक बॉल 136 कर रहे हैं ना तो उसके बाद उनकी पेस जो है ना वो बाकी मांदा बॉलों गेंदों पर वो 130-132 तक चली जाती है। एंड ही इज नॉट पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल इन टू हिज बॉलिंग। एक उनकी बॉडी बड़ी स्टिफ रहती है, वो हमने इंग्लैंड भी देखी थी, ही हैज़ बीन ए विकेट टेकर, नो डाउट अबाउट दैट। तो अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास चॉइसेस जो है ना वो बढ़ गई हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पर जाना है और आपने न्यूजीलैंड में जाकर जो उनके साथ टेस्ट मैचेस खेलने हैं और ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं तो आपकी बॉलिंग जो है ना ज़्यादा वो बैंक करेगी अपने पेस बॉलर्स पर एंड यासिर शाह। ठीक है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच में आमिर और वहाब को बैठाना जो था वो अपनी उन पॉमिटिशंस और कॉम्बिनेशन का अंदाज़ा लगा रहे थे कि आने वाले वक्तों में टेस्ट मैचेस में हमारे पास लंबे, अगर हमारे पास जो आपके ख्याल के मुताबिक जो इसमें एक स्ट्रेटजी नज़र आती है वो ये है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा लें कि क्या वाकई उतने अच्छे बॉलर हमारे पास बाहर बैठे भी हैं कि अगर हमारे
टॉप के बॉलर्स किसी वजह से टीम के साथ नहीं ट्रैवल कर पाते या वो टीम के लिए दस्तयाब नहीं है, तो अगर हम किसी को भी टीम में डालते हैं तो वो भी उतना ही अच्छा बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। नेचुरली अब तब तीन सीमर्स तो खेलेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल खेलेंगे, तीन तीन फास्ट बॉलर्स जाने जाने हैं। ठीक है, अब आपके पास दो बेंच स्ट्रेंथ पर होंगे, ठीक है, तो यही एक मौका था। हाँ, थोड़ा सा वहाब और आमिर को रेस्ट भी मिला, वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो गया और आने वाले दिनों में यू नीड योर फास्ट बॉलर्स Going full throttle आपको और आप physical समझते हैं कि अलार्मिंग है सुहेल खान वाला मामला? ये जब मुझे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा है कि पहले टेस्ट मैच में उसको उतने ओवर्स नहीं कराए गए, हाँ जी, मगर इस मैच में ना थोड़ा सा वर्कलोड जो था ना वो ज्यादा राहतें लिया है और सुहेल जब भी स्पेल के लिए आए हैं तो उनकी पेस में थोड़ी सी कमी बेशी जरूर नजर आई। इज अ वंडरफुल बॉलर, इज अ वेरी गुड परफॉर्मर और विकेट्स पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन एक बात और है कि जब हम इंग्लैंड सीरीज कर रहे थे तो उस वक्त भी जब इन्होंने कम बैक के ऊपर गालिबन 5 विकेटें ली थी ना, जी जी जी, तो नासिर हुसैन ने इनका उस वक्त भी कंपेरिजन किया था कि जब ये इनिंग्स का आगाज करते हैं पहले स्पेल में आते हैं और जब ये उसके बाद आते हैं तो एक तो इनका फॉलो थ्रू बड़ा कम हो जाता है। पहले स्पेल में ये पूरी एनर्जी के साथ अपने फॉलो थ्रू में रश करते हुए भी नजर आते हैं स्ट्राइकर एंड तक, लेकिन जब ये दूसरे स्पेल में आते हैं तो इनमें वो एनर्जी नजर नहीं आती, बॉल फेंका और वहीं से पीछे घूम गए वापस। तो ये वाली एक चीज़ है। आप शुएब हबीब साहब, आपके ख्याल में जो बात अजहर खान साहब ने की है सुहेल खान के हवाले से, आपको लगता है कि वो उतनी एनर्जी के साथ या अगर पेस बरकरार नहीं रख पाते? राशिद को हम सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ चार ओवर जो हैं वो एक अच्छे पेस के साथ और पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं, उसके बाद उनका जिस्म शायद उन्हें इजाज़त नहीं देता। शुएब साहब देखें, माशाल्लाह भी खान साहब ने तकरीबन ऑलमोस्ट सब बताया। ये जो हमारे पेसर है ऑलमोस्ट सारे एक ही स्टाइल के हैं, ठीक है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी तकरीबन 10-15 साल में इस मैच में या इन दो टेस्ट मैच में गेम प्लान नज़र आया। अच्छा, और ये गेम प्लान का ही हिस्सा, ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन राहत को सूट करती हैं और ये कंडीशंस सुहेल खान को भी सूट करती हैं। स्पेशली सेकंड इनिंग में ये थोड़ा सा रफ बॉल होगा ना तो वहाँ रिवर्स स्विंग भी होगा। अच्छा, और इनमें और ये पिच ऐसी है कि लंबे स्पेल तो फास्ट बॉलर से कराने नहीं है, तो चार चार ओवर के स्पेल के हिसाब से कंडीशंस ऐसी हैं कि लंबे स्पेल नहीं करवाए जा सकते, नहीं कराने, तो उन कंडीशन में ये दोनों सूटेबल है। मैंने जैसे कल भी प्रोग्राम में बोला था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस टीम खिलाई थी, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये जो प्लान नजर आ रहे हैं ना, जैसे अभी खान साहब ने बोला कि बॉलर को रेस्ट भी मिल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो उस हिसाब से पेसर सारे एक से हैं, बट थोड़ी थोड़ी कंडीशंस की फ़र्क है। ये जो इस मैच की कंडीशंस है ये इन दोनों को सूट करती हैं। अच्छा, एक लंबे स्पेल कर सकता है सुहेल खान, चार चार ओवर का स्पेल करेगा, साथ में तीनों स्पिनर्स हैं, तो उस हिसाब से सही है। आपके ख्याल में कंडीशंस एक जैसी हैं, राहत लंबे स्पेल करने वाला बॉलर है और सुहेल खान लंबे स्पेल करने वाला बॉलर नहीं है, इन कंडीशंस में करने वाला नहीं और इन्होंने नहीं करवानी, उसे चार चार पांच पांच ओवर का स्पेल करवाएंगे, रिवर्स स्विंग ये जो प्रेजेंट लॉट में सबसे अच्छा उसका होता है सुहेल खान का, तो उस हिसाब से जैसे इन्होंने बोला मिसबा की सोच, तो मेरे ख्याल में मिसबा और कोच की यही सोच। अच्छा खान साहब, ये जो गेम प्लान की बात शुएब हबीब साहब कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, मोहसिन हसन खान साहब खुद पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे हैं, उन्होंने भी खासा इसके ऊपर बात करते हुए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छे ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान टीम में एक गेम प्लान नज़र आ रहा है। ये गेम प्लान क्या, अगर कुछ फ़र्क आपको भी लग रहा है कि वाकई ऐसा है कि ग्राउंड में जब प्लेइंग 11 खेल रही है, प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में और उसके बाद जो अंदर खेल हो रहा है उसमें कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, अभी शुएब भाई ने जो बात की है ना, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि गेम प्लान जो है ना उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, टेक्टिकली गेम के में इन्वॉल्व रहें, ठीक है। अब अगर आप मोहम्मद आमिर और वहाब को ही लेकर चलते और राहत और मे बी के इमरान खान जूनियर जो कि इंग्लैंड में भी नहीं खेला, इमरान सीनियर नहीं खेला, तो एक थोड़ी सी ना डिस्पोंडेंसी और एक फीलिंग ऐसी आ जाती है आपके पास कि यार मुझे तो मेरा ख्याल है कि खिलाने में टीम मैनेजमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, ठीक है। तो मैं
हाउ मच आई एम गोइंग टू बॉल इन द नेट्स, हाउ मच एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू डू इट यू नो इन माई स्पेयर टाइम, हाउ मच द ट्रस्ट और बिलीव जो है वो आपकी जो कैप्टन है इत्तेफाक करते हैं कि गेम प्लान बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है, और यही सारा हिस्सा आपको नजर आता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है प्लेयर्स की, ठीक है, कि मुझे बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया जा रहा, मुझ पर भी एतमाद किया जा रहा है, लेकिन मतलब मैं सिर्फ बेंच पे बैठने वाला नहीं हूं। मोहम्मद आमिर को सुहेल खान की जगह बड़े आराम से खिला सकते थे, मगर टीम मैनेजमेंट ने कहा कि मोहम्मद आमिर सिंस ही हैज बीन बॉलिंग कंसिस्टेंटली इन T20 वन डे टेस्ट मैच, तो वी नीड टू प्रिजर्व हिज एनर्जी। तो मेरा ख्याल ये जो वजह थी उससे सुहेल खान को एक फर्दर चांस मिला और राहत अली को दे ब्रॉट इन, और दो जो बाहर बैठे हैं उनको आराम मिल गया, आराम तो डिवाइड हो गया और वो रिफ्रेश हो जाएंगे अगले मैच के लिए। अब गेम प्लान का आपको वैसे भी नजर आ जाएगा, कितने साल से हम यूएई में खेल रहे हैं, कभी तीन स्पिनर्स नहीं खेले, अच्छा फिर अब आज भी इन्होंने देखे एक स्टेज में ऐसा आया दोनों खब्बे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने उसको असद शफीक को भी ट्राई करा, ये चीज होती है गेम प्लान के से जो नजर आ रहा है। अच्छा हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी अली जिया साहब, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सुहेल खान के हवाले से एक बात खान साहब ने की कि उसकी पेस अगर कोई पहला बॉल करता है 136 35 37 पे तो उसके बाद वो बतदरीज कम होती जाती है, जो शुएब हबीब साहब का उसके ऊपर ये मानना है कि वो चार ओवर का अच्छा बॉलर है स्पेल के हिसाब से और यहाँ पर कंडीशन उसको सूट करती है, लंबे स्पेल उससे करवाए नहीं जाएंगे, इनके ख्याल में कि स्पीड उसकी सुहेल की एक जैसी नहीं रह रही, जो हो सकता है कि कुछ फिक्र वाली बात हो। आप इस नुक्ता नज़र को किस तरह से देखते हैं कि सुहेल लंबे स्पेल वाला बॉलर है या नहीं है, और जो स्पीड में बतदरीज कमी है ये उसने खुद से की है या फिर उसकी एनर्जी में या उसकी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने की, मजीद अभी भी बहुत अच्छा हो सकता है ज़्यादा बेहतर करने से वो कंसिस्टेंसी के साथ लंबी और तेज़ बॉलिंग कर सके। देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं थोड़े से अनफॉर्चुनेट होते हैं, सुहेल खान इज़ वन ऑफ देम, कि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है लेकिन कुछ इंजरीज का शिकार रहे, साल दो साल पहले काफ़ी एक लंबा अरसा भी रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं जब भी मौका मिलता है, लेकिन पिछले एक दो सालों से चूंकि पाकिस्तान टीम में है तो कुछ मैचेस को मिस भी करते हैं, डेफिनेटली फोर ओवर्स में पूरी एनर्जी होती है, देन इन वन डे क्रिकेट में भी वो काफ़ी हद तक अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस की वजह से अपनी टीम्स डोमेस्टिक टीम्स में भी खेलते हैं और ऑनर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हैं, नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, एनर्जी जहाँ तक ताल्लुक है आई थिंक ये कंडीशंस काफ़ी टफ हैं, और जब इंग्लैंड गए थे सुहेल तो ऑब्वियसली बहुत ही लंबा टूर था, टेस्ट मैचेस काफ़ी टफ भी थे, मेंटली भी ड्रेन करते हैं, टफ ऑपोजिशन होती है, ये थोड़ी सी स्पीड डाउन होती है, बट आई थिंक जो एडवांटेज है सुहेल को बहुत ही एक्यूरेट है, नैगिंग लाइन एंड लेंथ है उनकी, और रिवर्स भी कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे चैनल पे बॉल करते हैं, सो आई थिंक अगर स्पीड कम भी थोड़ी सी हो जाती है लेकिन अगर आप रिवर्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो है वो बॉलर पेनिट्रेटिव होता है। एक बात और कर दूं कि सुहेल खां की अगर तमाम सेकेंड स्पेल्स देखे जाएँ तो जनरली वो बैट्समैन को सरप्राइज करने के लिए कुछ डिलीवरीज को थोड़ा सा पेस इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्स करने के लिए आपको थोड़ा सा थ्रू द एयर तेज बॉल करना है, सो शायद एज एन एक्सपीरियंस बॉलर खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में वो शायद अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हों इन दीज कंडीशंस, और एट टाइम्स स्लो भी कर रहे हो, आजकल वैसे भी फैशन में है जरूरत से ज्यादा ऑन स्लो पिचेस, जरूरत से ज्यादा स्लोअर बॉल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक बैलेंस रखना चाहिए कि कौन से बैट्समैन को और कौन सी कंडीशंस में और किस टाइप की पिच पे स्लोअर बॉल को ओवर यूज करना है, स्पेशली उन पिचेस पे जहां बॉल ग्रिप हो रहा हो और बैट्समैन थोड़ा सा यू नो हार्ड हैंड से खेल रहा हो, क्योंकि उसके मिस टाइम करने के चांसेस काफी। आज समीउल्लाह और कलीमउल्लाह के दरमियान में आप कहां से आ गए? नहीं, आज हम गेम प्लान ये बना कि हम गेंद लेके चलेंगे, आपको देंगे और आपने गोल करना। अच्छा अली भाई, 452 के जवाब में 106 पे चार हैं, फिर से आगाज में ही मुश्किलात का शिकार है वेस्ट इंडियन टीम, और किस तरह से देख रहे हैं आज का जो पाकिस्तान ने बॉलिंग वाला स्पेल है, जो हिस्सा पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए गुजारा है? देखिए कंटेम्पररी क्रिकेट की जो नई चीज इन क्रिकेट आई है वो है देयर इज नो फॉलो ऑन इन क्रिकेट एज फार एज द मॉडर्न डे क्रिकेट इज कंसर्न,
बहुत ही कम फॉलो ऑन करते हैं, उसी सूरत में कि अगर आपने ह्यूज टोटल ऑन पोस्ट किया और कुछ बारिश हो गई या आपके बॉलर्स को विद इन कोई ऐसा ब्रेक आ गया कि आपको चांस मिल गया और आपके पास सिर्फ एक ही चांस है कि आप फॉलो ऑन करें तो तब आप करते हैं, अदरवाइज जैसे कल भी जिक्र हो रहा था 450 ऑलमोस्ट नियर कल हमने कहा था कि अराउंड 500 रन्स करेंगे तो ये गेम जाएगी चौथे पांचवें दिन और पाकिस्तान श्योरली जितनी भी लीड लेगा जो कि चांसेस हैं काफी कि एक सब्सटेंशियल लीड लेगा पाकिस्तान इज डेफिनेटली गोइंग टू बैट अगेन और एक टोटल पोस्ट करेगा आई थिंक इस बार थोड़े से 252 पे होगा ना जी फॉलो ऑन अगर करवाना हो तो हाँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को फॉलो ऑन कराएगी इन एनी केस सो पाकिस्तान विल बैट अगेन प्रॉब्ली इस बार वो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा है तो वो उस तरह की जो है शॉट्स नहीं खेलेंगे इन अ हरी जो उन्होंने 123 करके ना स्निफ ऑफ अ चांस दिया था टू द वेस्ट इंडीज आई थिंक इस बार अगर पाकिस्तान लीड लेता है बड़ी एक प्लान के साथ खेलेंगे एंड इनफ रन्स देंगे वेस्ट इंडीज वो को तो ऐसा जो थ्रू आउट प्रेशर रखते 123 वाली बात थी वो तो यूं कहा जा सकता है ना 1-2-3 ऑल आउट शॉट्स भी इसी तरह की थी अच्छा अजहर खान साहब जो ओपनिंग पेयर वेस्ट इंडीज का है और उनके नीचे आज जो विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान ने आपको लगता है कि जिस तरह बिशू के बारे में ये कहा जाता है कि जो 8 विकेटें उसने की तो उसमें पाकिस्तान अगर बिशू ने 8 आउट किए हैं तो उसमें बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी है जिस तरह कुंबले ने 10 आउट किए थे पाकिस्तान के तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उस अंपायर का भी था जिसने इतना इतना बॉल बैट से दूर था तो आउट देता चला गया पाकिस्तान ने जो विकेटें हासिल की हैं तो अच्छे बॉल्स पर की हैं नहीं देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग जो है एक रन आउट के अलावा इसमें बड़ी डेप्थ है इसमें बड़ी एक वैरायटी है और इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है और राहत अली अगेन शोड हिज प्रॉमिस और अपनी प्रेजेंस आज उसने 2 आउट किए हैं और आते ही नए गेंद पर आउट किया और फिर उसने जिस तरह इसको आउट किया है इनके जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे बहुत ही अच्छा बॉल किया और चैनल में बॉलिंग बड़ी अच्छी की और राहत को मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की वो रिवर्स उनको हासिल थी और जिस चैनल पे वो बॉल कर रहे थे ही वाज मेकिंग द बैट्समैन टू प्ले ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बॉल और इन कंडीशंस में जो कि पिच जो है वो अब्रेसिव है बॉल स्कव्ड अप हो जाता है आप देखें कि नया गेंद जब किया ना पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर थे तो उन्होंने स्क्रैबल सीम के मतलब पेट से पकड़ के ना बॉल को मारे हैं अच्छा अब ये होता है कि जब आप ऐसे बॉल करें तो बॉल जो है ना स्कफ्ट अप हो जाता है right. अब आपने ये देखना है कि कौन सी जो शाइनिंग साइड है उसको तो आपने प्रिजर्व करना है और जो दूसरी साइड है उसको रफ रखना है. है तो ये बॉलर्स की साइकी होती है वो आपस में कैप्टन के साथ यू नो दो फील्डर्स बॉल की लुक आफ्टर करते हैं उसकी लुक आफ्टर करते ठीक है एक वक्फा ना ले लें खान साहब क्या कहते हैं भाई चलें बिल्कुल जी एक वक्फा लेते हैं वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज एंड इनफ रन्स देंगे वेस्ट इंडीज वो तो ऐसा जो थ्रू आउट प्रेशर रखते 123 वाली बात थी वो तो यूं कहा जा सकता है ना 1-2-3 ऑल आउट शॉट्स भी इसी तरह की थी अच्छा अजहर खान साहब जो ओपनिंग पेयर वेस्ट इंडीज का है और उनके नीचे आज जो विकेट्स लिए हैं पाकिस्तान ने आपको लगता है कि जिस तरह बिशू के बारे में ये कहा जाता है कि जो 8 विकेटें उसने की तो उसमें पाकिस्तान अगर बिशू ने 8 आउट किए हैं तो उसमें बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी है जिस तरह कुंबले ने 10 आउट किए थे पाकिस्तान के तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उस अंपायर का भी था जिसने इतना इतना बॉल बैट से दूर था तो आउट देता चला गया पाकिस्तान ने जो विकेटें हासिल की हैं तो अच्छे बॉल्स पर किए हैं नहीं देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग जो है एक रन आउट के अलावा इसमें बड़ी डेप्थ है इसमें बड़ी एक वैरायटी है और इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है और राहत अली अगेन शोड हिज प्रॉमिस और अपनी प्रेजेंस आज उसने 2 आउट किए हैं और आते ही नए गेंद पर आउट किया और फिर उसने जिस तरह इसको आउट किया है इनके जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे बहुत ही अच्छा बॉल किया और चैनल में बॉलिंग बड़ी अच्छी की और राहत को मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की वो रिवर्स उनको हासिल थी और जिस चैनल पे वो बॉल कर रहे थे ही वाज मेकिंग द बैट्समैन टू प्ले ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बॉल और इन कंडीशंस में जो कि पिच जो है वो अब्रेसिव है बॉल स्कव्ड अप हो जाता है आप देखें कि नया गेंद जब किया ना पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर थे तो उन्होंने स्क्रैबल सीम के मतलब पेट से पकड़ के ना बॉल को मारे हैं अच्छा अब ये होता है कि जब आप ऐसे बॉल करें तो बॉल जो है ना स्कफ्ट अप हो जाता है right. अब आपने ये देखना है कि कौन सी
जो शाइनिंग साइड है उसको तो आपने प्रिजर्व करना है और जो दूसरी साइड है उसको रफ रखना है. ठीक है, तो ये बॉलर्स की साइकी होती है, वो आपस में कैप्टन के साथ जो फील्डर्स बॉल की लुक आफ्टर करते हैं उसकी लुक आफ्टर करते हैं. ठीक है, एक वक्फा ना ले लें खान साहब, क्या ख्याल है? शोएब भाई चलें, बिल्कुल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज के खेल के हवाले से अपने माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए. कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे. हाफ टाइम में दाग निकलेंगे वो भी सिर्फ 10 रुपए में सर्फ एक्सेल. मैं हर महीने MCB बर्क रफ्तार से पाकिस्तान पैसे भेजता हूँ, घर वाले आसानी से ले आते हैं. पाकिस्तान में हर जगह तो है MCB, कोई अचानक जरूरत पड़ जाए तो भी MCB बर्क रफ्तार पर पूरा भरोसा है. दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी MCB बर्क रफ्तार पर बरसों से एतबार करते हैं. MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी. MCB बैंक फॉर लाइफ. नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर हम खुश आमदीद कहते हैं. बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ के खेल के हवाले से. इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 से बरतरी हासिल है. एक इस टेस्ट मैच में कामयाबी के बाद अगर पाकिस्तान कामयाब होता है तो फैसला कुन बरतरी 2-0 से हासिल हो जाएगी. पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ की गई इस टेस्ट मैच के लिए, उनमें वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर जो कि पेस अटैक का हिस्सा हैं उनको रेस्ट दिया गया है. इस हवाले से हम जानते हैं अली जिया साहब से. अली साहब ये मुत्तफिक हैं आपके आने से पहले ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह वाला काम कर रहे थे. ठीक है शुएब भाई, इनका ये मानना है कि ये जो रेस्ट दिया है दोनों बॉलर्स को, इससे दो फवायद पाकिस्तान की टीम को जा सकते हैं. एक तो ये जी कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ली है कि वो कितने अच्छे हैं, और अगर किसी मुश्किल सूरत हाल में या किसी इंजरी की सूरत में जो कि किसी भी वक्त हो सकती है, उस सूरत में अगर बेंच पे बैठे किसी बॉलर को टीम में डाला जाता तो वो भी उतना ही अच्छा लगता है जितना पहले से खेल रहा होता है. दूसरा ये एक टेस्ट भी हो गया, एक वर्कलोड कम हो गया उनका, अपने बॉलर जो बेंच पे बैठे हैं वो टेस्ट हो गए हैं और रिफ्रेश हो जाएंगे सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स के लिए. आप इस नुक्ता नज़र को किस तरह से देखते हैं कि वाकई ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है और इससे वाकई जो बाहर बैठे लोग हैं उनको फ़ायदा भी हुआ है? श्योरली आई थिंक वर्कलोड बहुत ज़्यादा था आमिर पे और वहाब पे, और डेफिनेटली उसको भी कंसिडर किया होगा, एंड हॉर्सेज फॉर कोर्सेज भी आई थिंक, बिकॉज वहाब बेसिकली ऑन अ स्लो पिच उसकी लेंथ काफ़ी थोड़ी सी पीछे है, एंड अनटिल अनलेस 150 रिवर्स जो कि उसका होता है वो अगर होगा जो शायद दुबई में भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ. वर्कलोड ऑब्वियसली प्लस कंडीशंस, तीसरा बेंच स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ें कंसिडर की होंगी. टू बी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस बहुत ही लैकलस्टर है ओवरऑल, एक्सेप्ट दैट प्रॉब्ली 3 सेशंस जब उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा बॉदर किया 123 पे आउट करने के बाद जो बैटिंग में उन्होंने कुछ मजामत दिखाई, थोड़ा सा बॉदर किया. अदरवाइज थ्रू आउट द सीरीज आई डोंट थिंक सो कि वेस्ट इंडीज के पास पेनिट्रेशन है इन बोलिंग, और दे हैव स्ट्रेंथ बैटिंग में बिग बैट्समैन जो बेसिकली मैच विनर्स हैं अदर देन ब्रावो. सैमुअल इज स्टिल इज नॉट द प्लेयर जो वो था, बहुत ही लिमिटेड हो गया है, और अदरवाइज मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर उनमें नजर नहीं आता हु कैन स्कोर अ बिग 100 लाइक यूनिस या मिसबा, और इतने सॉलिड भी हो स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, रियली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. ओवरऑल तो जो आपने बिशू की बात की, डेफिनेटली 8 आउट करने वाले को थोड़ा सा क्रेडिट तो जाता है, क्योंकि ऑन अ फिफ्थ डे अ लेग स्पिनर स्पेशली अगर शार्प रफ से स्पिन हो रहा है तो उसको एडवांटेज तो है, बट इट वॉज मोर अबाउट यू नो अ बैटिंग जिसमें रन तेज करने की बात थी, बट कैसे करना था स्पेशली, और प्लस पाकिस्तान की काफी लॉन्ग टेल है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स, अगर स्पिन हो रहा है या ज्यादा स्विंग हो रहा है वो है. अदरवाइज मुझे जो ओवरऑल नजर आता है कि वेस्ट इंडीज लुक्स वेरी ऑर्डिनरी फॉर मी पर्सनली. इट्स बीन अ वेरी बोरिंग सीरीज. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, अभी इनकी टोटल जो बैटिंग डिपेंड कर रही है ब्रावो पे कर रही है,
ठीक है, ब्राव सैमुअल का जिस तरीके से बोला उन्होंने, पिच ये खतरनाक नहीं है, ये पिच पे जितना आप हिट आउट करेंगे, क्रॉस शॉट मारेंगे, रन बनेंगे, ठीक है, अगर ये डिफेंस पे जाएंगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत। कल की निस्बत आज कुछ खराब हुई है पिच शुएब अबीब साहब, रन आज वैसे कम हुए हैं कल के निस्बत, नहीं 106 इन्होंने किए हैं और कल के 300 के ऊपर थे पाकिस्तान ने जब अपना इनिंग्स डिक्लेयर, डे ऑफ हुआ कल का, पाकिस्तान 452 पे गया है, तो आज 250 के करीब रन हुए हैं। वही ना, स्लो होती जा रही है, एक होती है फ्लैट पिच और एक होती है ड्राई पिच, ये ड्राई पिच है, इसमें मतलब ब्रेक होगा, नीचे होगा, स्लो होगा, तेज मारना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रेट शॉट्स मारेंगे तो वो उस पर रन्स नहीं मिलेंगे, इस पर आप जितना क्रॉस शॉट मारेंगे, ऊंचे शॉट मारेंगे। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं यशो भाई, दो हमारी बारी पे वक्फा, नहीं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेट आउट राइट आउट, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये जो यूए की पिचेस हैं, इनके पिच के बारे में कह रहा था, इस पे बैटिंग में आप देखें सरफराज वगैरह ने जितने रन करे, स्लो करा, स्वीप पे मारी, इस तो स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्ट्रेट में पावर नहीं है, मतलब ड्राई है, खुश्क है। मैं स्टिल ये कहता हूँ अगर कंडीशन के हिसाब से खेलेंगे फॉल ऑन भी नहीं होगा, मैच बहुत अच्छा होगा। ये जो सोच जा रहा है ना कि यार वहाँ की विकेट है, स्लो है, ब्रेक होगी, ये सब कुछ होगा लेकिन मैनेजेबल है, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल है। अब आप सीधा सीधा खेलते हुए एक आध शॉट मारेंगे आपको रन्स मिलेंगे, मतलब एक डेंजरस होता है ना कि यार इतना, मतलब आपके ख्याल में जो मैच प्लान है वो अगर पिच की कंडीशन को देखते हुए, मतलब इसमें पिच प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पिच प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट इंडीज को जो प्रॉब्लम्स है उसकी बैटिंग की है, उसका एक ही प्लेयर इन फॉर्म है, ब्रावो। पिच प्रॉब्लम नहीं है खान साहब, और प्रॉब्लम उनकी अपनी बैटिंग में, और जैसा अली ने कहा है कि ये टीम ही बड़ी हल्की सी लग रही है और मुश्किलात में ही घिरी हुई है। बिल्कुल सही है कि जिस माइंड सेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव ये है कि इस मैच को किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए। ठीक है, आपकी नेगेटिविटी जब जहन में आ जाती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच, तो फिर क्या होता है कि आप पाकिस्तान के बैट्समैनों को आउट करने के लिए नहीं गए, आपने क्या किया कि कहीं भी मुझे जब ये बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान की टीम, ऐसा नहीं लगा कि वेस्ट इंडीज के बॉलर जो थे या कैप्टन की जो साइकी थी वो आउट करने वाली थी, वो रन्स को प्रिजर्व कर रहा था, वो रन्स को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा था। और देखें सबसे बड़ी बात ये है कि डेरन ब्रावो का जिस तरह जिक्र किया मेरे दोनों साथियों ने, ही इज़ दी ओनली मैन हु लुक्स टू बी इन गुड टच, इन गुड फॉर्म, और थोड़ा सा वो दलेरी के साथ भी खेलता है, मगर सैम्यूल जो है he has been not scoring consistently, you know, for West Indies in test matches. उसकी एक रोजा की परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस में there is a big dip. ठीक है, तो अब ये है कि सैम्यूल के ना फॉर्म में होने से और डैरन अब जिस तरह आउट हुआ है आज, आई थिंक उसको बड़ा अच्छा सेट इन किया है यासिर शाह ने, ही बोल्ड ओवर द विकेट और उसको मजबूर किया स्वीप खेलने पर, right. और बॉल चैनल पर पड़ा, कार्पेट पर पड़ा, और दैट बॉल स्किड क्योंकि ऑलमोस्ट यासिर शाह जो है स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे थे, और जैसे बॉल बीट हुआ और वो जो रोल के नीचे लगा वो ही वाज एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट। तो ये डैरन ने जितनी भी पहले मैच में इनिंग्स खेली थी उसको ये पता था कि यासिर शाह इस स्पेल में उसको सेटिंग कर रहा है। अच्छा, सैमुअल्स आपके ख्याल में जिसके ऊपर टीम का इन्हिसार है उसके रन्स ना करना एक बड़ा मसला वेस्टइंडीज के लिए बन रहा है, ऐसी देखते हैं कि एक देखिए दो तीन चीज़ें हैं फैक्टर्स मैच को देखना चाहिए। एक जैसे शुएब ने कहा रन स्कोरिंग मुश्किल होती है जहाँ पे हैवी आउटफील्ड भी है प्लस स्लो पिच हो रही है, टर्न स्लो टर्नर है, तो ऑब्वियसली रन्स ड्रॉप किए हैं जैसे आपने कहा पहले दिन से। दूसरी बात खान साहब ने जिक्र किया कि वर्कआउट किया यासर ने, आपको याद हो कि हमने बात की थी कि यासिर के जो बॉलिंग टैक्टिक्स थे फार टू लॉन्ग वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थे जहां से स्पिन हो रहा था, उसको ब्रावो ने टैकल किया, आज उसने ज़्यादा स्ट्रेटल लाइन पे बॉल किया और जैसे ही मिस किया, एंड पिछली इनिंग्स में जब आउट भी हुआ था तो स्ट्रेटल लाइन से मिस टाइम किया था और आज भी उसने मिस किया,
تو اور وہ آؤٹ ہوئے. اچھا میں قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں, 69 ٹیسٹ میچز ہیں سیمولز کے اور اس کے 123 اننگز ہیں, 3854 رنز ہیں اور 33.22 کی اس کی ایوریج ہے اور 7 سینچریاں ہیں اور 24 نصف سینچریاں ہیں 123. دیکھیں بات رنز کی نہیں ہے, بات دا وے ہی از پلینگ رائٹ. بیسیکلی بہت ہی لمیٹڈ اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ بیک کر رہا ہے اور اونلی ایک لیگ سائڈ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ون ڈے اور T20 بھی دیکھیں. دیکھیں چار پانچ فیکٹرز ہیں. پہلی بات یہ ہے ویسٹ انڈیز مین ٹو مین بولنگ کمپیرزن آف پاکستان ویسٹ انڈیز نو کمپیرزن, ٹھیک. بیٹنگ نو کمپیرزن, ٹھیک ہے. سو اوور آل ٹیمس کا کمپیرزن نہیں ایز فار ایز دی ایبلٹی از کنسرن اینڈ ریکارڈ از کنسرن جو پرفارمنسز ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات دی ایٹیچیوڈ, آپ شروع سے انڈر, سب سے بڑی جو انہیں جولٹ لگا وہ تھا کہ دے ورلڈ چیمپئنس, دو چار پانچ پلیئرز مس آؤٹ کر گئے, بٹ دا وے دے ور آؤٹ کلاسڈ ان T20 یو اسٹریٹ وے آن دا بیک فٹ کہ آپ ایک ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے جو کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلے, چار پانچ پلیئرز آپ نے مس کیے بٹ یو ریئلی یو نو ڈیسیمیٹڈ, آپ بالکل کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہوئے ان T20. پھر ون ڈے آیا, آپ پھر دوبارہ ون سائڈڈ افیئر ہوا. پہلا ٹیسٹ میچ تھوڑا سا کلوز گیا ان ٹرمز آف وہی جو میں نے کہا 123 رنس, بٹ ادر وائز سارا آلموسٹ پاکستان ڈومینیٹ کرتا رہا. ابھی بھی اب تک پاکستان ڈومینیٹ کر رہا ہے بیکاز آف دا سلو پچز, جیسے شعیب نے کہا یہ گیم مینیجیبل ہے سلو پچ کس طرح, اف یو پلے اسپنرز ویل, بٹ وہ اسپنرز کو اچھا نہیں کھیل رہے. اور سب سے بڑی بات ان کی بھی پاکستان کی طرح بڑی لمبی ٹیل ہے, سو آئی تھنک میچ شاید پانچویں دن ضرور جائے گا بٹ آلویز ویسٹ انڈیز ول بی آن دا بیک فٹ. اچھا ایک اور خان صاحب, پاکستان ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اظہر علی ایز اوپننگ بیٹس مین؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب T20 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شرجیل اور خالد لطیف نظر آتے ہیں, ون ڈے میں شرجیل اور اظہر علی ہیں, پھر ٹیسٹ میچز میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر اظہر علی اور سمیع اسلم پاکستان کے لیے اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے چلتے ہوئے اب اگر ہم اس کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے اسد شفیق کو بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمبینیشن اب کچھ تھوڑا لمبا چلے گا کیونکہ یہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے اور جو سلیکشن کمیٹی ہے یہ خود اسی سوچ کے قائل ہیں کہ کھلاڑی کو اگر موقع دیا ہے تو پھر لمبا دینا پڑے گا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اظہر علی اب آپ کو مستقبل میں بھی پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ میچز میں ایز اوپننگ بیٹسمین نظر آئیں گے؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ میں اگر اظہر علی نمبر 3 کھیل رہا تھا ٹیسٹ میچز میں تو ون ڈے میں تو وہ اوپن کر رہا تھا تو اب اسد شفیق کو نمبر 6 کی پوزیشن سے نمبر 3 کے اوپر لے کے آنا, اس کے بھی پیچھے ایک پاکستان ٹیم کی جو مینجمنٹ اس کی سائیکی ہے کہ دے آر ناٹ ڈیولپنگ اے پلیئر کہ جی آنے والے وقتوں میں سال یا دو سال کے بعد کوئی بھی پاکستان کا سینئر پلیئر اگر وہ نہیں موجود ہوتا تو اسد شفیق از کیپیبل آف ٹیکنگ دیٹ پریشر, کیونکہ مائنڈ اٹ کے یونس کا اور مصباح کی جو پرفارمنسز ہیں اس کا جو پریشر ہوگا نا وہ بہت زیادہ ہوگا. اگر بابر اعظم اس شوز میں آتا ہے تو اسد شفیق اور بابر اعظم یو نو نمبر 3 اینڈ نمبر 4, تو اظہر علی ایز این اوپنر کیا یہ اس پریشر کو بیئر کر سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک ابھی تک تو دیر از نو پرابلم, کیونکہ پاکستان کے پاس ماشاء اللہ مصباح بھی فٹ ہے, یونس بھی فٹ ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مگر اوپننگ کے لیے پاکستان کی ٹیم کی جو سائیکی ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ اوپنر ان کے پاس ہونا چاہیے جو کہ نیوزی لینڈ کی اور آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں جا کے ایک اپ فرنٹ جا کے ان کے تیز بالروں کو وہ ٹیکل کر سکے, تو آئی تھنک پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے دے ول کیپ دس کمبینیشن رائٹ ٹل آسٹریلیا. جی جی خان, خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہمارے پاس دو جنرل اوپنرز ہیں, احمد شہزاد وہ تو ٹیم میں نہیں ہے خان, ہاں تو لانا چاہیے, مطلب آپ کسی اگر آپ کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو پھر کیسے لے آئیں؟ ان کی جگہ نہیں بن رہی, چلے آپ کی بات سے ایگری میں کرتا ہوں, ایک لڑکے کی جگہ ہی نہیں تھی اوپنر کی, آپ اس کی جگہ بنا رہے ہیں. سن لیں اور تھوڑا سا میرے سے ڈیٹیل بھی لے لیں, اس لیے کہ ایک سال یا دو سال بعد مصباح نے اور یونس نے جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ون ڈاؤن پہ یہ سیٹ ہو سکتا ہے اور ہے اس کا نمبر, اس نے سارے رنس کرے ہیں ون ڈاؤن پہ. چار نمبر پہ آپ کے پاس اسد شفیق ہے, بابر اعظم ہے,
ये तीन तो तैयार हो गए। अच्छा, एक ये भी नुकता नजर है। हाँ, इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास एस्टेब्लिश टेस्ट प्लेयर हैं, ओपनर्स हैं, तो आप उनको क्यों खराब कर रहे हैं, उनको आप लाएं, इनको ये। अच्छा, एक और बात है, फिर असल शफी वो करके इनको यहाँ एडजस्ट करें। देखिए बात ये है, फॉर द टाइम बीइंग द मैनेजमेंट शुड गो विद अजहर अली एंड समी असलम। ऑब्वियसली एक जो मुझे नजर आया कि थर्ड ओपनर है नहीं, जिससे जैसे शोएब कह रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, खान साहब ने बात की बात बाबर आजम, ऑनेस्टली आई बिलीव ही हैज टू इंप्रूव अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, स्पेशली शॉर्ट पिच बॉलिंग। यंग है, डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट है, एंड ही विल लर्न। थोड़ा सा ज्यादा वन डे स्टाइल में खेलता है, नथिंग रॉन्ग टेस्ट क्रिकेट में आप खेले, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ऐसी शॉर्ट्स पे अपने में लाना पड़ेगा वेरिएशन, जो कि आप फास्ट बॉलर्स को और बाउंसियर ट्रैक्स करेंगे टैकल कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। अगर ओपनर आता है, बाबर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ टेस्ट टीम, ठीक है। सो आई थिंक ये कंडीशंस एंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस डिफरेंट जरूर होगी, बट आई थिंक किसी को भी अगर आपने ट्राई करना है तो कंसिस्टेंटली ट्राई करना चाहिए और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और एक और बात मैंने पहले भी की कि इट्स फॉर मी इट्स अ वेरी बोरिंग, वॉट एवर इट इज, कितनी भी बोरिंग हो, एडवांटेज पाकिस्तान। शोएब भाई ने बुरा मना लिया, किस चीज का? नहीं नहीं है, एडवांटेज पाकिस्तान, सो गेम सेट एंड मैच पाकिस्तान, बोरिंग है जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखें ये जाएं उसके अली भाई के साथ, नहीं अली भाई, देखें अली भाई एक बात सही बोल रहे हैं तो मैं उसको गलत कैसे कह दूं? है तो फिर आपने इतने गुस्से के साथ क्यों देखा है? ये आपकी नजर का कसूर है, वो तो वो सब ये मेरा प्यार है। खान साहब भी हैरान हो गए थे, शोएब भाई को हुआ क्या है? मतलब राइट लेफ्ट आउट। अच्छा, ये इस अली साहब और शोएब हबीब साहब, ये इस बाबर आजम और असद शफीक, इन्होंने जो बात की है ये अगले साल डेढ़ साल की, कि अगर जब यूनुस खान और मिसबाह उल हक पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होते हैं तो आपके पास, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो ये जो उनके जाने का खला है आप उसको फौरन तो नहीं पूर कर सकते, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे टूल्स जरूर होंगे कि आप उनको डालें और उनकी कमी को, जब तक ये टूल्स मैच्योर भी हो जाएंगे। देखिए हाफिज साहब, पहले तो ये अभी ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और ना मेरे दोनों दोस्त प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब यूनुस छोड़ेगा और कब मिसबाह छोड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, नहीं नहीं, एक मिनट, मतलब एक दो साल का मार्जिन, देखिए दो साल का मार्जिन। देखिए आपकी जो सीरीज आ रही है ना, अब मैं बता दूं, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और वेस्ट इंडीज की, यहाँ पर टेस्ट मैचेस होने हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, वो वनडे क्रिकेट है, उसके बाद श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की सीरीज है। तो अभी तक मौजूदा सूरत हाल को के तनाजुर में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अली ने ठीक कहा है कि बाबर आजम के लिए टेस्ट मैचेस में इस सिनारियो में अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा, बट ही विल स्टिल रिमेन एट द बेंच स्ट्रेंथ। वो सीखेगा, उसके ऊपर काम होगा, उसको पता चलेगा कि दुनिया में साइड गेम्स किस तरह खेलनी है, तेज बॉलर्स को किस तरह हैंडल करना है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज को किस तरह मैंने मैनेज करना है। तो ये पाकिस्तान की जो, हाँ अभी शोएब भाई ने बात जो की अहमद शहजाद की, यस आई एग्री विद हिम, बट आप जब अहमद शहजाद का नाम लेते हैं ना तो देन यू, आप जब खेल रहे हो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वहां पर आपको बिग हंड्रेड करने हैं, यू हैव टू मेक पीपल रियलाइज एंड यू हैव। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसने जितने भी मैचेस समीउल्लाह और कलीमुल्लाह के दरमियान रेफरी ना आ जाए। आई थिंक एक बात मैं सिर्फ ऐड कर दूं, फिर साहब की तरफ जा आपने जाना है। देखिए बात बड़ी है, आपने जैसे कहा परफेक्ट था, वी हैव द टूल्स, ठीक है। देखिए हमें हफीज को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, वेरी एक्सपीरियंस्ड ओपनर हु कैन आल्सो प्ले इन द मिडल ऑर्डर। आई एम श्योर जो शोएब कह रहे हैं उस लिहाज से अगर हम उस सिनेरियो में देखें तो डेफिनेटली अजहर अली को, वी हैव द टूल्स टू पुश अजहर अली एट नंबर 3, आसिफ शफीक एट नंबर 4, एंड देन ऑब्वियसली अगर बाबर आजम ओवरकम्स देयर या कोई और आता है तो वो उसकी जगह ले लेगा। करंट सिनेरियो में जैसे या नंबर 4 पे बाबर आ जाता, नंबर 5 वो असद शफीक अपने भी आप शफल कर सकते हैं, प्लेयर्स आपके पास है। ऑब्वियसली बाबर है अ हाईली टैलेंटेड क्रिकेटर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है इन वनडे क्रिकेट,
you know, has got every tool to become a great player. Lekin ye kuch cheeze usse seekhni hai jo test cricket aur one day cricket mein farak hai, the way of scoring runs, the art of scoring runs. And I'm sure being so talented and a good team management around, wo ye seekhega. Lekin baat wahi hai, waqti taur pe in conditions mein jo team khel rahi hai, that is the best possible team. Jab aap Australia jate hain and New Zealand jate hain, to aap kya changes laate hain? Mere khayal mein एक परमानेंट ओपनर डेफिनेटली होना चाहिए विद द टीम जो यहां पे नहीं था. और दे माइट पुश अजहर अली बैक, क्योंकि वहां पे आप शायद तीन स्पिनर्स के साथ नहीं खेलेंगे, यू माइट गो फॉर थ्री फास्ट बॉलर्स एंड वन, और आप ऑलराउंडर की बजाय, क्योंकि उन कंडीशंस में स्ट्रेंथन द बैटिंग आप स्पेशलिस्ट पे जाते हैं, तो फिर सरफराज सातवें नंबर पे आ जाता है. ठीक है, यू गॉट दैट स्पेस फॉर एन ओपनर टू पुश अजहर अली बैक, असद शफीक बैक वापस एट नंबर सिक्स with Yunus and Misbah at number 5. मतलब एक टेस्ट होगा फिर सिलेक्शन कमेटी के लिए कि उन्होंने किस तरह की टीम सिलेक्ट करनी है. आसानी हो जाएगी सिलेक्शन कमेटी की. नहीं नहीं, देखें जितना आपके पास कंपटीशन होगा उतनी टीम बनाना आसान होगी, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे. अब आपसे बढ़िया आपकी सोच मिलती है, वो भी यही कह रहे थे. यार मेरी तो सोच ये होती है, दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें. किसी की किसी से सोच नहीं मिलेगी. नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जितनी आपके पास प्लेयर्स ज्यादा होंगे ना, टीम बनाना उतना आसान हो जाएगा. ये नेचुरल चीज है. और एक और बात, आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट असद शफीक नाउ. ही इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट बैट्समैन. सो वो अगर एक आधी इनिंग्स में या एक आधा दो टेस्ट मैचेस में फेल होता है, ही इज नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ द गेम. आप इस चक्कर में इस चक्कर में पड़ेंगे, हम इसको यहां से यहां ले, इसको वहां से ले, किसी को कहां से कहां लेके जाएंगे. यार जनरल बात कर रहा हूं, यार मैं जाहिल आदमी हो सकता, मैं इस तरह कह रहा हूं कि आप किसी को इधर से लाएं उधर उधर चढ़ जाए. वो तो अली भाई ने बताया. अली भाई तो परफेक्ट है. अली भाई की एक एक बात में वजन है. अली भाई की एक एक बात में मतलब जो क्लासिकल आदमी होगा ना, वली भाई की बात को समझेगा. समझ गए हमने. हाँ हाँ, हम क्लासिकल हैं. मेरा मेरी साखी जो है खासा नहीं, मेरी एक मिनट, मेरी एक मिनट, एक मिनट, बात मेरी सुनो. आप मुझे ये सीनियर है खासा, आप मेरे सीनियर. ये सभीला भी तो मेरा वो सभीला भी तो वही है आप कलीबुल्ला. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि टीम मैनेजमेंट की आपने प्लानिंग की बात की थी ना. जी जी. तो प्लानिंग में असद शफीक नंबर तीन जब आया है, तो जस्ट दे ब्रॉट हिम एट नंबर थ्री, नॉट इवन थिंकिंग इन देयर माइंड कि नाउ द नेक्स्ट ओवर इज ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे पास एक थर्ड ओपनर की जरूरत है, वो कौन होगा? हफीज भी है और होगा नहीं आपके पास, ये होने चाहिए. ये एमएस शहजाद नहीं, वो कह रहे हैं कौन होगा. हां मतलब आप ठीक है, बट मेरा ख्याल इस सीरीज में असद शफीक, मेरा पर्सनल ख्याल है, असद शफीक को नंबर थ्री पे लाने का हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है कि चूंकि इस वक्त जो कंडीशंस हैं उसमें असद शफीक फिट्स इन एट नंबर थ्री, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाना है, मोर एटलीस्ट थ्री स्पिनर्स के साथ जाना है जैसे नवाज को, तो हमें ये करना है. आई एम श्योर क्योंकि माइंड में होगा व्हेन इट गोज टू न्यूजीलैंड, दैट इंग्लैंड 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 के टेस्ट मैच में भी आपको याद है कि नंबर तीन असद शफीक को खिलाया था, नाइट वॉचमैन यासिर शाह गया था, नंबर चार पर यह चला गया था ओवल के टेस्ट मैच में. तो क्योंकि नंबर आपके ओपनर्स जो थे वो फेल हो रहे थे, हफीज वॉज नॉट परफॉर्मिंग, देन ही बिकेम अनफिट, तो उन्होंने वहां पर सडनली यू नो दे प्रमोटेड फ्रॉम सिक्स टू नंबर थ्री असद शफीक. तो उस वक्त भी उनके माइंड में था कि ये नए गेम को अच्छा खेलता है, टेक्निकली इज वेल इक्विप्ड, तो ये ऊपर के प्रेशर को भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है. इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल में, मतलब ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट को हम तो नहीं जज कर सकते, बट आपके ख्याल में इफ न्यूजीलैंड में यही स्ट्रेटजी रहती है, फॉर एग्जांपल, तो हु वुड यू प्ले एट नंबर सेवन? आई एम श्योर नॉट नवाज, बिकॉज वहां पे आपको तीन स्पिनर्स की जरूरत नहीं होगी. बिल्कुल. सो समवन एन ऑलराउंडर हु कैन बोल मीडियम पेस या अ प्रॉपर पूरा बैट्समैन होगा. तो या आप चार बॉलर्स के साथ जाएंगे. अगर ये लेके जाते हैं नवाज को, और आजकल जो वर्ल्ड में क्रिकेट पिचेस वगैरह हैं, तो मेरे ख्याल में नवाज खेलेगा, टीम में जगह बनेगा, बनेगी एट नंबर सेवन. हाँ, नंबर सेवन ऑलराउंडर, सो ही कैन बॉल एंड ही कैन बैट. अच्छा, आपने तीसरे ओपनर की बात की, आपने अहमद शहजाद का जिक्र किया, मोहम्मद हफीज का जिक्र भी उसी गुफ्तगू में आ गया. एक गुजारिश सुन लेना, सवाल तो सुन लेना शुएब भाई. आप तो समुद्र के पास से आप कहते हैं कि ये लहर आए समुद्र. अभी उन्होंने कहा ही कैन बैट, खास साहब ने किया, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन है. इन इंटरनेशनल क्रिकेट में इट्स नॉट अबाउट ही कैन बैट,
कैन ही स्कोर रन्स एट नंबर 7 जो कंट्रीब्यूशन एज एन ऑलराउंडर चाहिए कैन ही बोल टू टेक विकेट्स इन डिफरेंट कंडीशंस नॉट सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस इन डिफरेंट कंडीशंस ये $1 million क्वेश्चन है फॉर द टीम मैनेजमेंट टू आंसर नहीं वो उस वक्त है कि जो शोएब भाई ने बात की कि आपके पास चॉइस जो है वो एट नंबर 7 अगर यासर के शाह के साथ तीन फास्ट बॉलर खेलते हैं तो सरफराज प्लेड एट नंबर 6 एंड मोहम्मद नवाज प्लेड ये एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ही इज नॉट वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट कि क्या यही होगा मगर जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपकी टेबल के ऊपर होते हैं और आप देखते हैं कि prevailing conditions में कौन सी जो चीज़ है ठीक है ज़्यादा बेहतर हो सकती है अच्छा जी तीसरे ओपनर की बात की ये दोनों पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस हो गए ना अभी अगर हम देखते हैं तो इसके बाद मोहम्मद हफीज़ आ जाते हैं अज़र और अहमद शहजाद फखर जमान भी वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खासे रन कर रहे हैं वो भी ए में भी काफी रन किए हैं अ वंडरफुल प्लेयर हां तो ये वो हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं मैं एक नाम और ऐड करवा देता हूं खुर्रम मंजूर अभी वो भी 250 रन कर रहा है हां बिल्कुल वो भी 250 फिर ठीक है इवन शान मसूद नॉट बैड उसको तो एडवांटेज भी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन कर रहा हो ही इज इज देयर फॉर सिलेक्शन खुर्रम मंजूर तो बहुत सिलेक्शन कमेटी 250 कर रहे हैं यार अच्छा चले हां चले अगर ओपनर्स अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज हम ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त ओपनर्स हैं उनके बाद सबसे आइडियल चॉइस हो सकती हैं तो हफीज और अहमद शहजाद एक एक दो नाम हम उनका उनके ऊपर बात कर रहे हैं ना तो आपको लगता है कि उन्हें वापसी के लिए जो खान साहब ने कहा कि बड़े स्कोर करने की जरूरत है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर हो रही है और वो उसमें रन्स नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह से समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी इन दो के ऊपर जाएगी अगर वो इन दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेती है तो फिर आप कहेंगे खालिद लतीफ का क्या कसूर था अली भाई कहेंगे जी फखर जमान ने रन्स किए हैं उसका क्या कसूर था तो खुर्रम मंजूर तो फिर आप अहमद शहजाद और हफीज की सिलेक्शन तो बड़ा टेस्ट केस बन जाएगा ना सिलेक्शन कमेटी के लिए इस सारी सूरत हाल में मेरी चॉइस ये तीन है तीन में से